हम बात कर रहे हैं IREDA IREDA की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। 6% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। इस बाउंस बैक के साथ हमको स्टॉक, ये जो इसका हाई है जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, 184 का लेवल वहाँ तक का टारगेट दिखा सकता है। इसके मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। गिरावट के बाद स्टॉक बाउंस बैक हुआ। आज के डेट में हमने देखा कि इस हाई को 184 के लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 190-192 तक के टारगेट दिखाए, वहाँ से अगेन हमको गिरावट देखने के लिए मिली। इस गिरावट के साथ हम देख सकते हैं दोस्तों, अपना रेजिस्टेंस यानी 184 का जो लेवल था उसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करके स्टॉक ने क्लोजिंग दिए। लेकिन स्टॉक अभी भी बुलिश है, यहाँ से और बड़े हमको टारगेट दिखा सकता है। स्टॉक ने एक अच्छी बात है कि 180 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। 180 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, हमारे लिए पॉजिटिव बात रहेगी लगातार तेज़ी के लिए। अगर गिरावट आती है तो तगड़े सपोर्ट का काम करेगा ये जो हाई है जिसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, 175 का लेवल, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था और जिसको ब्रेकआउट करने के बाद हमको लगातार बड़ी तेज़ी, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। तगड़े सपोर्ट का काम करेगा 175 का लेवल। और अब यहाँ से टारगेट की बात करें तो IREDA के टारगेट अब यहाँ से बड़े हैं। इमीडिएट जो टारगेट रहेगा अपना, जहाँ से स्टॉक ने इससे पहले रिजेक्शन लिया था, जिसको ब्रेकआउट किया था, हमने अभी डिस्कस किया, 184 का लेवल, 184 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट जो टारगेट है 190-192 और इस बाउंस बैक के साथ 200 के लेवल IREDA दिखा सकता है। लेकिन 200 का लेवल इसका तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ से ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, इसके आसपास थोड़ा सा हमको अवेयर रहना है, यहाँ से अगेन सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर बड़ा सेलिंग प्रेशर 200 के लेवल से नहीं आता, स्टॉक 190 के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में 200 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है, फिर हमको बड़े जंप, बड़े टारगेट IREDA आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।